तो स्टार्टिंग हो रहा है अपना न्यू टैंक सेटअप बनाने का। ये एक घर में जाना है तो 3 फीट बाई 1.5 फीट बाई 1.5 फीट का टैंक सेटअप है। क्या फिनिशिंग से इसको बनाया जाता है? टैंक का सबसे मेन पॉइंट रहता है उसका फिनिशिंग, कि हम जो ग्लू यूज़ कर रहे हैं कौन सा ग्लू यूज़ कर रहे हैं, कितना फिनिशिंग से बना रहे हैं, कितना क्वालिटी दे रहे हैं और कितना वारंटी दे रहे हैं कि हमारा टैंक, हमारी शॉप का टैंक लीक नहीं होगा। तो आइए दिखाते हैं कि पहले तो फिनिशिंग से कैसे बनाया जाए अपना टैंक, फिर आगे बात करते हैं। फिनिशिंग के लिए हम यूज़ कर रहे हैं अपना कागज वाला टेप आता है ये, इसको आप किसी भी हार्डवेयर शॉप से इजीली 40 रुपीज़ में परचेस कर सकते हो। अपन इसको बॉर्डर पे लगा रहे हैं जैसे अपना ग्लू बाहर ना जाए। और अभी चारों में पहले टेपिंग करेंगे अपन, लोअर ग्लास में टेपिंग बिल्कुल नहीं करेंगे, इसमें ज़रूरत नहीं होती, ये बेस बनेगा इसमें टेपिंग नहीं होगा। फ्रंट बैक और साइड में अपन टेपिंग करते हैं, फिर दिखाते हैं आगे। तो ये अपना ग्लास, इसमें टेपिंग कैसे करते हैं, ये 6 mm ग्लास है तो अपन को चाहिए 1 mm का ग्लास। इसके साथ हम लोग मार्किंग करेंगे पहले ग्लास पे, बंद करेंगे। अपन मार्किंग इसीलिए कर रहे हैं कि अपन को टेप लगाना है। अपन 6 mm टेप ग्लास लेके मार्किंग करेंगे तो अपना टेप सही से लग नहीं पाएगा, और अपन 8 mm से मार्किंग करेंगे तो 2 mm जो रहेगा उसमें ग्लू अपना अच्छे से चिपक जाएगा। अपन को ये दोनों साइड में मार्किंग करना है, इस साइड में भी अपन सेम मार्किंग करेंगे 8 mm के ग्लास से, जिसमें अपन को टेप लगाने में ईजी होगा। तो जैसे अपन ने थोड़ा टेप ले लिया, इधर दिखाओ, ये अपन करेक्ट 8 mm की जो अपन ने मार्किंग की है ये अपन को करेक्ट उसी के ऊपर रखना है। ये देखिए, तो अपना 6 mm अपना कांच के लिए और 2 mm अपना ग्लू के लिए, ये अपना एडजस्ट हो जाएगा। एक कवर करके वहाँ पे रखा है जो उसका फ्रंट होगा, ये हो गया अपना बैक ग्लास, और ये है अपने दोनों साइड जिनकी अपन ने 15 inches कराया है। तो ये साइड है, इन साइड में अपन को 8 inches गैप नहीं छोड़ना है, इसमें सिर्फ अपन 2 inches गैप छोड़ेंगे सिर्फ मेरे नेल्स के बराबर, और अपन इसको पूरा कवर करेंगे। दोनों ही साइड्स को ऐसे ही करना है, 2 inches ओनली गैप छोड़ना है, 8 inches 6 inches 4 inches नहीं छोड़ना है। तो आइए इनको कवर करते हैं। हम लोग ग्लू लगाने की स्टार्टिंग पहले बॉर्डर के, हम लोग बिल्कुल फिनिशिंग से ज़्यादा ओवर क्वांटिटी में ग्लू नहीं लगाना है, बिल्कुल लाइट ग्लू लगाना है बॉर्डर पे, चारों साइड जो अपना बेस रहेगा उसके चारों साइड पे अपन को ग्लू लगाना है, और ग्लू उंगली से अभी नहीं फैलाना है, सिर्फ मशीन से थोड़ा थोड़ा मीडियम साइज में ग्लू लगाना है। तो सारे ही ग्लासेस को हम लोग रखते हुए फिर साइड में ग्लू लगा रहे हैं। ग्लू लगाने के बाद हम साइड ग्लासेस ऐड करेंगे, क्योंकि हमने बेस में ग्लू पहले ही ऐड कर दिया था, तो साइड ग्लासेस ऐड करेंगे, फिर इसके साइड ग्लास में फिर से ग्लू लगाएंगे क्योंकि बॉटम में ग्लू है और साइड में ग्लू अभी नहीं लगाया था। ये हो गया इसका फ्रंट, और फ्रंट ऐड कर रहे हैं, इसके बाद रस्सी लगा रहे हैं टेप, जैसे पूरे बबल्स बाहर हो जाएं, बबल्स नहीं होने चाहिए टैंक में। ये इंटरनल ग्लू फिलिंग हो रही है, टेप से हमारा बिल्कुल ग्लू साफ लगेगा। फिर अपन को टेप तुरंत ही निकालना है, क्योंकि अगर ये टेप सूख गया तो हमको बहुत प्रॉब्लम होगी, इसलिए टेप को हम तुरंत ही रिलीव कर देंगे। बिल्कुल आहिस्ता निकालना है, ग्लास में टच नहीं होना चाहिए, और उसके बाद आप देख सकते हो टैंक क्या फिनिशिंग आई है, एक भी कहीं माइनर सा भी फैला हुआ नहीं है, कहीं पे दाग नहीं है। इसी टाइप्स की और वीडियोस देखने के लिए नॉलेज वाली आप सब्सक्राइब करिए और लाइक कर रहे बिल्कुल मत भूलिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो इसी चैनल पे।